राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। दिल्ली में कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर अब भाजपा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया गया। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। डीटीसी बसों की खरीद में अनियमितताओं पर भाजपा नेता ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दोस्त टेंडर तैयार करते हैं। भाजपा ने दावा किया कि जहां जहां केजरीवाल है वहां वहां भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से और जो हमारी प्रदेश इकाई है उसने पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। जनता की आवाज बनके, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, और आज डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। 1000 लो फ्लोर बसेस का है और इसमें तमाम इररेगुलरिटीज हुई हैं। यह पहली बार देखा गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जो एक अधिकारी होता था। अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है ये। अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में। वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा। तो पहली अनियमितता तो ये थी। जो L1 था, बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन L1 से इनकी सांठगांठ नहीं थी। इन भ्रष्टाचारियों को जनता का जितना रुपया चाहिए था वो एक ईमानदार कंपनी देने के लिए नहीं तैयार थी। तो इन्होंने एक और कंपनी जो इनकी चहेती थी, जिसको इनको चिन्हित करके सेलेक्ट करना था, JBM, उसको बातचीत के लिए बुलाया। सवाल पूछा जाएगा, L1 जनता का कम रुपया खर्च करके आपको BS6 की 600 बसेस के लिए उन्होंने बिडिंग करी, आप बातचीत करते, दाम कम हो जाते, जनता का रुपया बचता और बसेस भी आती। लेकिन नहीं, क्योंकि JBM चहेती कंपनी थी, उसको बुलाया बातचीत करने के लिए, जो BS6 600 बसेस के लिए L1 नहीं थी और 400 बसेस BS4 थी। यह पूछना चाहेंगे, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी, या आपकी नियत में इतना खोट आ गया है कि कानून को दरकिनार करके केवल वसूली करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? देर आर मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट देर हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, समानता होनी चाहिए हर बिडर के लिए। जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी।
उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे। टेंडर दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार में सरकार नहीं बनाती है, वो मित्र बनाते हैं। वो बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए चलेगा, रुपया बढ़ा देते हैं आपका। कहें ठीक है भाई। तो टेलर मेकिंग ऑफ टेंडर, काट छाट ऐसी करो कि कोई और ना क्वालिफाई करे, केवल मित्र ही आए। तीसरा, फिर केवल मित्रों को टेंडर जो है वो दे दिया जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। जब टेंडर दिया जाता है तो वसूली भी पूरी हो जाती है, और जब वसूली पूरी हो जाती है तो दो उदाहरण दूंगा। आबकारी घोटाले में जब पकड़े गए तो वही नीति जो कह रहे थे अच्छी है उसको वापस ले लिया, और यहां पे टेंडर दे के रोक लगा दी। ये क्या दर्शाता है कि जब चोर पकड़ा जाए तो कहे कि नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन चोरी तो की ना अरविंद केजरीवाल जी आपने। इसीलिए आज दिल्ली की जनता ये कह रही है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसके हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं ये जो मुख्य बिंदु उठाए हैं इस पे अरविंद केजरीवाल जी जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। अब 1000 लो फ्लोर डीटीसी बस की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर उपराज्यपाल ने सीबीआई को शिकायत भेजने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलजी के इस कदम को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से भी जवाब आ गया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि टेंडर रद्द हो गए थे और बस कभी खरीदी ही नहीं गई। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राज्यपाल पहले खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें। इसको लेकर आपने 3 सवाल पूछे हैं। नोटबंदी में पुराने नोटों को बदलवाने, केवीआईसी चेयरमैन रहते हुए बेटी को ठेका देने और हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद भी कारीगरों को कैश में भुगतान करने पर उपराज्यपाल को जवाब देना होगा। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं, और हम लोग इतना हैरान हैं कि एलजी का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया, और इसके बारे में और कहीं नहीं उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा, विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी लाउंज बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया। हमने कहा कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसका एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते, और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते।
आप जांच करवाइए, एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वे जांच से भाग रहे हैं। दो तीन दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है। जन जन जनधन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की, बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, डेढ़ साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है, डेढ़ साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है, अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया, कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी वाले रोज छोर मचाते बस नहीं खरीदी, और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है कि एक मामला जिसमें 1.5 साल पहले ही पी दर्ज है, 2 हफ्ते पहले दोबारा इन्होंने सीबीआई को दे दिया, अब वही मामला तिवारा दे दिया। ऐसे तो कल फिर से दे देंगे इसी को और फिर कहेंगे इसको चलाओ टीवी पे कि भाई एक और चीज हो गई, ये बहुत गलत है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, तो फिर देश में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में चुनाव की तारीखों से निर्धारित होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल कम नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल प्राइसेस
आर रेगुलेटेड बाय इलेक्शन डेट्स नॉट ऑन ग्लोबल रेट्स. पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइसेस हमारे देश में निर्धारित होती है इलेक्शन डेट से. जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें हैं, जो उनकी ग्लोबल रेट्स हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता. साथियों, मैं आज कुछ आंकड़े लेके आपके सामने इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ और सारे आंकड़े भारत सरकार की जो पीपीएसी है, पीपीएसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे पेट्रोल डीजल गैस के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहाँ से सारे आंकड़े लाया हूँ. साथियों, जून 2022 से लेकर सितंबर 8, 2022 तक, ये जून से लेकर सितंबर मतलब तीन महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई 24.14%, जो जून 2014 में $116 प्रति बैरल था, वो 8 सितंबर को $88 प्रति बैरल है. और ये मैं भारत सरकार जो जिस कीमत पे पेट्रोल खरीद रही है, कच्चा तेल, उसका आंकड़ा दे रहा हूँ आपके सामने. तो जून से लेके सितंबर तक 24.14% कच्चे तेल की कीमत में कमी आई और पिछले तीन महीनों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई 0%. अगर ये कमी आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये 24.14% की कमी की जगह अगर बढ़ोतरी हो जाती तो सरकार बोलती आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से, वो वाला स्टेटमेंट, जब कमी होती है कच्चे तेल की कीमतों में तो वो स्टेटमेंट सरकार के मुख से क्यों नहीं सुनाई देता है? साथियों, मैं यहाँ पर ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106.49 प्रति बैरल थी, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹71 और डीजल की कीमत ₹55 प्रति लीटर थी. और आज जब कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल है, और मैं सितंबर 8 का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास और डीजल की कीमत 90 के आसपास चल रही है. ऐसा क्यों मोदी जी? और ध्यान रहे, पेट्रोल और डीजल की 50% जो कॉस्ट है वो कच्चे तेल की कीमत है, बाकी 50% सरकार टैक्स लगाती है. तो अगर हम उस 50% मान लेते हैं कि ₹100 पेट्रोल के भाव है, तो लगभग ₹50 कच्चे तेल की कीमत है, और कच्चे तेल में 24.16% की कमी आई. अर्थात अगर वो कमी ही सिर्फ लोगों को दे दी जाए तो पेट्रोल के दाम 12.5 से ₹15 प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे. 2022 में जून में $750 प्रति मैट्रिक टन गैस बिक रही थी, और आज सितंबर में इसके भाव है $650 प्रति मैट्रिक टन. मतलब पिछले तीन महीने में गैस की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आई 13.33%, 13.33%. और मोदी जी ने क्या गैस सिलेंडर के दाम कम किए? क्या उस पर बात भी की? इसलिए हमारी मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें घट रही है, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट, उसका बेनिफिट देश की गृहणियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ₹150 प्रति सिलेंडर कम नहीं किए जा रहे? क्योंकि 13.33% अगर गैस की कीमतें कम होती है तो गैस सिलेंडर के दाम लगभग ₹150 प्रति गैस सिलेंडर कम हो जाते हैं. इमीजिएटली हमारी मांग है कि ₹150 प्रति गैस सिलेंडर और ₹15 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹15 प्रति लीटर डीजल तुरंत प्रभाव से कम किए जाए. और ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हम वो मांग रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट हम मांग रहे हैं. क्यों आप उस बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? जब 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है, जब इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों से RBI की अपर रेंज से ज़्यादा चल रहा है,
उस समय भी आप कच्चे तेल की कीमत की कमी का इम्पैक्ट लोगों को नहीं देना चाहते। ऐसी देश के लोगों से, मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से मोदी जी आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी हो रही है उसका बेनिफिट मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं देना चाहते। दिल्ली में CNG बस खरीद मामले की CBI जाँच की मंजूरी मिल जाने के बाद अब भाजपा व आपके नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है। अब हाल ही में आपके वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी मार्लेना ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप विधायिका आतिशी ने कहा, एक बड़े न्यूज चैनल ने सर्वे में देश भर के लोगों से पूछा, क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल PM मोदी के लिए चुनौती हैं? तो जवाब 63% आया, मोदी जी की नींद उड़ गई है। LG CBI ED को कहा गया है, पुराने फर्जी केस निकालो, किसी मंत्री को जेल में भेजो और केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोको। जब पूरा देश BJP की बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, तब केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिया। इसलिए देश के 63% लोग केजरीवाल को PM मोदी का विकल्प मान रहे हैं। कल रात को एक बड़े TV चैनल ने लोकसभा चुनाव पर एक सर्वे दिखाया। उस सर्वे में उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के लिए चुनौती मानते हैं। 63% लोगों ने कहा हां, 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान होगा। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि CBI को, ED को, के सारे अपने पुराने केस निकालो। LG साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज LG साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके, एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों के खरीद फरोख्त में, खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से, आपके शासन से परेशान है। आज पूरा देश महंगाई से, बढ़ते हुए दामों से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है, और इसीलिए आज देश के 63% लोग अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल वही नेता है जिसने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिल्ली के लोगों को दिया है। पूरा देश देख रहा है
कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 180 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन आज तक एक भी केस में एक पैसे का भ्रष्टाचार मोदी जी साबित नहीं कर पाए हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप अपना समय और अगर आप अपनी ऊर्जा देश की समस्याओं के समाधान में लगाएंगे, महंगाई दूर करने में लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करने में लगाएंगे, तो देश का भला होगा। वरना ये बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए जाएं और किसी ना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। 5 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी नेजल वैक्सीन, भारत बायोटेक ने DCGI से मांगी अनुमति। मुंबई में कस्टम अधिकारियों को मिली बड़ी कामयाबी, 12 किलो सोना छुपाकर ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार। मायावती ने कहा गरीबों को मुफ्त राशन का वितरण बंद ना करे सरकार, महंगाई से परेशान है जनता। केजरीवाल सरकार को एक और झटका, लो फ्लोर बस खरीद मामले में LG ने दी CBI जांच की मंजूरी। इंडिया गेट पर 20 महीने बाद होगी स्ट्रीट वेंडर्स की वापसी, NDMC ने शुरू की प्रक्रिया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, संजय जायसवाल सहित बिहार भाजपा के कई नेताओं की सुरक्षा ली गई वापस। दिग्गज अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णम राजू का 83 वर्ष की उम्र में निधन। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा राखी गढ़ी में खुदाई के काम में तेजी लाए ASI। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा अमित शाह की बयानबाजी झूठ और हास्यास्पद। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सांसद संघमित्रा के खिलाफ दायर याचिका वापस ली। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।